हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है वो कोटा सिस्टम के ऊपर है कि सिंगापुर में क्या कोटा सिस्टम हो चुका है, कौन कौन से परमिट पर कितना कोटा है, कौन सा एस पास पर कितना कोटा है, एम्प्लॉयमेंट पास की क्या क्राइटेरिया है। क्योंकि देखो, ऐसा था इस साल से, जिस लास्ट ईयर से कोविड-19 जब शुरू हुआ तो पेंडेमिक की वजह से कोटे में कटौती हुई है जिसे बोलते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आज समझ जाऊँगा, पूरा समझा दूंगा कि एस पास का कोटे का क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट पास का क्या मतलब है और वर्क परमिट में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो एस पास के ऊपर जो मिड स्किल लेबर जो होती है, ग्रेजुएट हैं या पॉली डिप्लोमा होल्डर हैं, जो मिड लेवल स्किल पर काम कर रहे हैं, पहले सिंगापुर में क्या हुआ था, तीन सेक्टर्स थे। तो जो पहला सेक्टर्स था ना, मैं यहाँ थोड़ा बैठ जाता हूँ, तीन सेक्टर्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला तो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, और तीसरा अदर्स। अदर्स में कुछ भी आ सकता है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी सर्विस में आती है, मैन्युफैक्चरिंग में आती है, सर्विस इंडस्ट्री में भी आती है। तो सर्विस इंडस्ट्री का पहले जो कोटा था, मीन्स 10 सिंगापुरियन में से आप एक एस पास, एक वर्क परमिट मलेशियन और चाइनीज़, सो टोटल 10 वर्क फोर्स में जो मैन पावर है 10% की टोटल, लाइक एक कंपनी में। एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि जैसे एक कंपनी में 10 आदमी है, तो 10 आदमी से 3 आदमी फॉरेनर हो सकते थे और 7 सिंगापुरियन। लेकिन अब उन्होंने क्या करा है, एस पास के ऊपर बता रहा हूँ, सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर 10% कोटा दिया है। कोटे का मतलब यह है कि अगर आपके 10 मैन पावर है उसमें एक ही एस पास इशू होगा। सो 10% सर्विस सेक्टर्स में, 20% मैन्युफैक्चरिंग में, अब घटा के उसको 15 कर दिया है, करने वाले या कर दिया है। इट मीन्स 10 में से 2 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अगर आप काम कर रहे हो एस पास पर, तो आपको 2 बंदे मिल सकते हैं कोटा के तौर पर। तो ये है कोटा सिस्टम। अगर आप अदर इंडस्ट्री में, कोई और इंडस्ट्री है, उसको 18%, जैसे मैरीन वगैरह है, 18-20% पर है। जो सर्विस इंडस्ट्री है ना, अभी सर्विस इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ कि जैसे इसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल एजेंसीज वगैरह आती हैं, उसे सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। तो उसमें क्या है, उन्हें अब 10% घटाया जाती है, 10 मैन पावर में से इस 10 की जो पावर है उसमें एक ही मिलेगा। तो एस पास अभी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गए हैं। मेरे को काफ़ी मैसेज आए थे कि सर एस पास बंद हो गए हैं या क्या है, तो बता देता हूँ, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, वर्क परमिट सब चल रहे हैं, बस थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, थोड़ी टाइटन पॉलिसीज हुई है। तो क्योंकि पहले एक रेस्टोरेंट में अगर समझ लो 10 आदमी काम करते थे, तो शायद आपको 2 एस पास मिल सकते थे, लेकिन अब एक ही एस पास मिलेगा। तो 10% सर्विस इंडस्ट्री में कोटा हुआ है। अच्छा, वर्क परमिट का मोस्ट प्रोबेबली आपको वर्क परमिट मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट पास का क्या, एम्प्लॉयमेंट पास जो है वो कंपनी की प्रोफाइल, आपकी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्रीज, आपका एक्सपीरियंस। सो कंपनी एम्प्लॉयमेंट पास हायर कर सकती है अगर कंपनी का टर्नओवर, कंपनी का बिजनेस स्केल अच्छा है। तो कंपनी एम्प्लॉयमेंट पास पर ना ही कोई कोटा होता है, ना ही कोई उसकी लेवी होती है, उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, इतना बताना था इस वीडियो में। और क्योंकि काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर अब एम्प्लॉयमेंट पास की जो क्राइटेरिया होता है ना, अगर आपकी कंपनी में 20-21 आदमी काम कर रहे हैं, तो आप एक एम्प्लॉयमेंट पास आराम से ले सकते हो। अगर उसकी, या आपके पास यूनिक डिग्री होनी चाहिए एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय का एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप होना चाहिए। सो यही बताना था इस वीडियो में कोटा के सिस्टम पर। अब यार ये पूछ रहे थे कि सर वीज़ा लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, वीज़ा वगैरह सब लग रहे हैं, लेकिन अब क्या है, कोविड-19 जैसे बढ़ता जा रहा है ना, अब यार एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, खुद ही सोचो, इंडिया में जहाँ पर भी केस राइज हो रहे हैं, सिंगापुर कैसे अलाउ करेगा उसको, क्योंकि ट्रांसमिशन, ये कोविड का जो भयानक रूप आता है ना, क्या बोलते हैं उसका, ट्रांसमिशन होता है ना, तो उस ट्रांसमिशन अगर ये रुक जाए ना, उसके बाद सब नॉर्मल सिचुएशन पर आ जाएगा। और एक अच्छी खुशखबरी ये भी थी कि कनाडा ने, अभी जो स्टूडेंट वीज़ा जो सिंगापुर से पढ़ रहे हैं वो कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने क्या है एक प्रोग्राम निकाला है 2021 तक, जून तक, नवंबर तक चलेगा, 90,000 को उनको पीआर देनी है, पाथवे प्रोग्राम है। अगर आप वहाँ एडमिशन देते हो, जैसे 20,000 हेल्थ वर्कर के ऊपर और 30,000, एग्जांपल आप हेल्थ केयर की स्टडी कर रहे हैं वहाँ पाथवे प्रोग्राम में या कुछ भी, और या सिंगापुर से गए हैं या जा रहे हैं या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो कनाडा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑल्सो है। इस साल उन्होंने
90,000 अप्लाई करनी है पीआर के लिए, देनी है उनको। उसमें से 20,000 हेल्थ वर्कर सेक्टर्स में हैं, 30,000 जो हैं वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं, अब कोई सी भी एसेंशियल सर्विस हो सकती है, और 40,000 अदर स्किल्स से हैं। सो 90,000 उन्होंने, अगर आप स्टूडेंट कोई पढ़ाई कर रहे हैं कनाडा में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक बात बता देता हूँ यार, अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी लंबे समय तक देखना चाहते हैं ना, कनाडा भी एक अच्छा ऑप्शन आपके साथ हो सकता है। सो इतना ही बताना था, अगली वीडियो में फिर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ यार शेयर कर दे करो यार, थोड़ा थोड़ा मेरे को प्रोत्साहन मिल जाए। थैंक यू।